चलो बहुत फोटो खींच लिया, चलो 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 एक फोटो, अरे चलो भाई चलो निकलो निकलो अभी। बाबू बाबू चलो चलो हो गया बहुत हो गया काकू चले। अच्छा तूने जो उस दिन का खून अंकल आंटी को बताया? पागल है क्या तू? मम्मी पापा को बताऊंगा तो वो मुझे अभी जेल भेज देंगे। अच्छा सुन ना, अगले हफ्ते फ्री है? क्यों, वो लंच पे जाना था, जाएगा? हाँ, हम लोग चल ना, मैं भी फ्री हूँ ना। तो अगले हफ्ते कब बोल? शाम को, दोपहर को? वो पीछे एक लेडी फॉलो कर रही है, तब से देखा देखा, मगर कौन है ये? अब ये किसको मारेगा? अरे रुक ना यार, थोड़ा देर रुक, चला जाएगा। हर चीज पे इतना डाउट करने का कोई जरूरत नहीं है।
लोग रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे यार, सीटी मारने से पहले थोड़ा सोच लिया करना, वरना नेक्स्ट दिन अगर दिखाया गया ना तो पूरा गैंग लेके पीटने आ जाऊंगी। एक्सक्यूज मी, आपको कुछ चाहिए? आप तब से हम लोगों को फॉलो कर रहे हो? वो बेटा गुस्सा मत हो, एक बात बोले, वो तुमरा ही पड़बे अमर बेटर खुनी के ढूंढे देते। बोलो बोलो, देबे तो ढूंढ के देबे तो। बोलो बेटा ढूंढ के देबे। अरे क्या कर रही है आप? कौन किसका खुनी? अरे मुझे कुछ नहीं मालूम। वेट वेट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस दिन मनोहर पुकुर रोड पे जिसका मर्डर हुआ आप उसकी माँ हो, राइट? हाँ, वो मेरा ही बेटा था। कौन क्यों मारा मैं नहीं जानती, वो तो किच्छ जानतो ना, वो तो निर्दोष चिलो, तो भी किनो के मलू, किनो ये भगवान किनो। आपको कैसे पता चला कि इसने ही वो खून देखा है? मतलब आपके मन में जो आ रहा है आप ऐसे बोल रहे हो? खून? मजाक है क्या ये? नहीं नहीं नहीं, वो हमें नीचे चुके देखी थी, हमें नीचे चुके देखी थी। तो आप ही बोल दीजिए किसने खून किया है, आप मुझे क्यों पकड़ रही हो? ना ना ना, वो हमें किसी सुनते चल, वो देखे थे अमर बेटर खुनी के। तुमरा जो दिया अमर बेटर खुनी के ढूंढे ना दा, ताहले हमें आत्महत्या करबो। अरे क्या पागल है, कितना बात कर रही हो आप? देखिए, एक मर्डरर को पकड़ना कोई मामूली बात नहीं है, ये थोड़ी हम लोगों का काम है। देखिए, हमें ये सब कुछ पता नहीं, हम इनसे फालतू के चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते। हम कहा, आप हम लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? जाइना जाइना, हमें किसी सुनते जाइना, ये तुमरा सब मिले ढूंढो, नईले नईले कल चारटे समय तुम्हार बाड़ी नीचे हमार लाश पड़े, और हमार सुसाइड तुमरा सब रुकिए। अरे 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 रुकिए रुकिए, अब मेरे पास भी प्रूफ है, अब देखते हैं कौन किसको परेशान करता है। रोहन, ईशान, तुम लोग हो ना मेरे साथ? यार तेरा हर चीज में रोना कंपलसरी है क्या? हाँ, हर चीज में तू रोता है ऐसे? पर क्या करोगे भैया, उसने तो खूनी को ढूंढने के लिए बोला। हाँ, जब बोला है तब करना पड़ेगा, नहीं तो हम सब फंस जाएंगे इस केस में। और सुन, ये बात किसी को मत बोलना, ठीक है? स्पेशली आंटी अंकल को तो मत बोलना, ओके? अब चल, और तू रो मत, ठीक है? चल।
फर्स्ट लिखो कब और कहाँ। 14 जून अराउंड 6:30 बजे मनोहर पुकुर रोड। वो जगह था वो पेटली का रास्ता है ना वो वाला। अच्छा हथौड़ा और कुछ नहीं देखा तूने? हाँ वो आदमी ना पिंक कलर का फटा हुआ शर्ट पहना था और ना उसके हाथ में सफेद पाउडर जैसे कुछ लगा हुआ था। क्या था सीमेंट होगा शायद। हो भी सकता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है क्यों? रिवाइव नहीं दिया इसलिए। इतने सीरियस सिचुएशन में भी तुझे हंसी आ रहा है? अब हंसी है, टॉयलेट थोड़ी ना है जो रोक के रखूं। अच्छा उस आदमी का उस औरत के साथ कोई अफेयर था क्या? अच्छा तू जब उस रास्ते से गुजर रहा था वो चिल्लाने की आवाज के अलावा और कोई आवाज तेरे कान में आया? हाँ वो आदमी कैसे गुस्से में अजीब तरह से गाली दे रहा था, रिपीटेडली एक ही गाली दे जा रहा था। गाली दे रहा था? हाँ। रुक फोन। हेलो हेलो। अरे मम्मी बाहर जा। हेलो हेलो। अच्छा तुझको जब एक आदमी फॉलो कर रहा है तो क्यों नहीं गया उसके पास? हाँ अरे मुझे लगा था कि वो दूसरा रास्ता लेगा पर। हाँ मम्मी ओके ओके। हाँ 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 अरे आ रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है। हाँ अरे हाँ बाबा आ रहा हूँ ना। उफ रखिए फोन। डेस्टिनेशन है गार्डवेल पार्क। भैया गार्डवेल पार्क। ये क्या है? और वो जिसको मारा था वो यहाँ पे बैठा हुआ था। यार ये जो हम कर रहे हैं ना ये सही नहीं हो रहा है। अरे ये तो उस मर्डरर का आवाज है।